हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो कि आपके यूनिट 2 के लास्ट में टॉपिक दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस बेसिकली होता क्या है और ये एकदम कंप्यूटर फंडामेंटल की चीजें हैं, तो और आपको 6th सेम में पढ़ने दिया गया तो आपको पढ़ना है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? An input device is the piece of computer hardware equipment used to give input to the computer, जो कि computer को input देने के लिए use होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Input device बोलते हैं। The input can be in the form of graphics, text, sound, audio, video and image etc. Input क्या हो सकता है? Graphics हो सकता है, कोई text हो सकता है, sound हो सकता है, audio, video, कोई image हो सकता है। ये क्या हो सकता है? Input हो सकता है जिसे हम computer को देते हैं। Input devices are those devices through which we can give the data and instructions to the computer। ये क्या हो गया? एक proper definition हो गया input devices का, कि input devices वैसे devices हैं जिनका use हम करते हैं computer को data या information provide करने के लिए। For example, mouse की अगर बात करें हम, तो mouse क्या है? Mouse एक input device है। Track ball, keyboard हो गया, light pen हो गया आपका, ये क्या है? ये light pen जिसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? आपका input device है। ठीक है, तो अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस को, तो दो क्लासिफिकेशन में यानी कि दो कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है आपका मैनुअल डेटा एंट्री डिवाइसेस, दूसरा है डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस। तो आखिर दोनों है क्या? मैनुअल डेटा एंट्री डिवाइसेस वैसे डेटा एंट्री डिवाइसेस हैं जो कि थ्रू विच द यूजर कैन एंटर द डेटा मैनुअली, मतलब क्या? बाय हैंड एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जब हम हैंड से डेटा को क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हमारा ये लाइट पेन हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैनुअल डेटा एंट्री में, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, टच पैड हो गया, लाइट पेन, वेब कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सारे क्या है? ये सारे मैनुअल डेटा एंट्री डिवाइसेस है जिसे हम मैनुअली एंटर कर रहे हैं। डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस क्या होते हैं स्टूडेंट? वैसे पेरिफेरल डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन डायरेक्टली इनपुट द डेटा फ्रॉम द सोर्स एंड ट्रांसफर दैट टू द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब हम क्या कर सकते हैं? सोर्स से डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर में। जैसे अगर हम स्कैनर की बात करें तो हम क्या करते हैं? अगर किसी हार्ड कॉपी पे मेरा कोई टेक्स्ट या फिगर, कोई इमेज बना हुआ है, हम क्या करते हैं? स्कैनर से उसे स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में उसे डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? सोर्स जो कि हमारा हार्ड कॉपी है उससे डायरेक्टली कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसे हम मैनुअली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस, जैसे बारकोड रीडर जो कि क्या करता है ना, डिफरेंट ऐसे ऐसे ब्लैक व्हाइट, फिर ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, तो बारकोड रीडर क्या करता है? सारे व्हाइट लाइंस को रीड करता है। तो ये हो गया MICR, हो गया OCR, हो गया आपका जो कि बहुत ज्यादा अभी PDF में यूज हो रहा है, सेंसर्स हो गया, बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, ये सारा क्या? डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग कुछ इनपुट डिवाइसेस को देख लेते हैं जो कि आपके आपसे एग्जाम में भी चांसेस है कि पूछ दिए जाए। सो कीबोर्ड क्या होता है? इट इज द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, बिल्कुल। इट इज डिजाइंड टू इनपुट टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स, टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ए कीबोर्ड कंटेन्स अप्रॉक्स 108 कीज, एक कीबोर्ड में अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 108 कीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन की एंड कर्सर की होते हैं। तो ये है क्या स्टूडेंट? अगर हम अल्फा न्यूमेरिक कीज की बात करें तो दीज आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के सेंटर में ये लोकेटेड होते हैं। जैसे ए टू जेड हो गया आपका, ये क्या हो गया? आपका अल्फाबेट हो गया, और न्यूमेरिक यानी नंबर हो गए 0 to 9, और सिम्बल्स एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंट, उसके बाद ये आपका हो गया, फिर एंड हो गया, एस्ट्रिक हो गया, नोट हो गया, इक्वल्स हो गया, प्लस हो गया, ये एक XOR हो गया, है ना। तो ये सारे कीज कहाँ रहते हैं? आपके सेंटर में होते हैं। दूसरा होता है आपका न्यूमेरिक कीज। तो न्यूमेरिक कीज क्या होता है? ए पार्ट ऑफ कीपैड कंटेन्स 17 न्यूमेरिक कीज इन विच वी कैन इंक्लूड नंबर अप टू 0 to 9। किसी किसी में नहीं होता है, यानी कि जो स्मॉल कीबोर्ड होता है उसमें नहीं होता है, जो थोड़ा सा लार्ज कीबोर्ड होता है उसमें क्या होता है? लास्ट में यानी कि साइड में, राइट साइड में 17 अलग से न्यूमेरिक कीज होते हैं, जिसमें 0 to 9 अप टू 0 to 9 कीज होते हैं, और साथ में ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन? मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस, माइनस, डिवीजन एंड एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लीकेशन, एंड एंटर की भी साथ में आपका होता है।
फंक्शन कीज की अगर हम बात करें तो दीज कीज आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के टॉप में आप देखिएगा F1 से लेकर F12 तक क्या होता है आपका लिखा होता है, वो फंक्शन कीज होते हैं। इन विच वी कैन इंक्लूड F1, F2 अप टू F12। द फंक्शन की परफॉर्म्स मेनी टास्क अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अनुसार। और आप लोग फंक्शन की को कुछ कुछ फंक्शन की के आप फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। और फिर जो आपका टाइप्स होता है वो होता है कर्सर कीज। कर्सर की आप लोग जानते हैं 4 कर्सर कीज होते हैं। सो द कर्सर कीज इंक्लूड क्या होता है उसमें, अप की होता है, डाउन की, लेफ्ट की एंड राइट की। दीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। कर्सर को मूव करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर आप कीबोर्ड के टाइप्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो एक नॉर्मल कीबोर्ड हो सकता है जो कि हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। दीज आर द कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड, इट इज यूज्ड बाय द यूजर इन द पीसी। इट कंटेन्स 108 कीज। द नॉर्मल कीबोर्ड्स आर कनेक्टेड टू द सीपीयू थ्रू द वायर। ये क्या होता है स्टूडेंट, वायर के थ्रू। ये देखिए ये क्या है आपका वायर है, वायर के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। वायरलेस कीबोर्ड की अगर बात करें तो द वायरलेस कीबोर्ड कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विदाउट द वायर। वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है, बिना वायर के ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर से। इट वर्क्स फॉर अ लिमिटेड डिस्टेंस। यस, ये एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही वर्क करता है, जितना इसका कैपेबिलिटी होती है उतनी दूर तक ही ये क्या कर सकता है, डेटा को रीड कर सकता है। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल कीबोर्ड। ये नॉर्मल कीबोर्ड से क्या होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। द यूजर फेसेस टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी इन इट। यस, मे बी इसमें टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी यूजर को आ सकते हैं कि कभी कभी वर्क ना करे। नेक्स्ट आपका आता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। अब ये क्या होता है, देखिए आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये यूजर के सहायता के लिए बनाया गया है ना, कि यूजर को जो है टाइप करते समय कंफर्ट फील हो। आपको लग रहा होगा कि इससे कंफर्ट फील होगा, ठीक है। सो इट गिव्स द यूजर कंफर्ट एंड ईज ड्यूरिंग द टाइपिंग, टाइपिंग के समय कंफर्ट फील करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, इसलिए इसे एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहा जाता है। दिस कीबोर्ड इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द यूजर। यूजर के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस रिस्ट पेन ड्यूरिंग टाइपिंग। आप लोग भी टाइप करते होंगे तो ये रिस्ट पूरा दर्द करने लगता है ना ऐसे उठे उठे, तो इसके लिए सहायता के लिए, यानी कि वो दर्द ना करे, इस प्रकार के कीबोर्ड को बनाया गया है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड जो इनपुट डिवाइसेस। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं वो हम रिलेटेड टू कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हम आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ेंगे उसमें हम बेसिकली दो पढ़ेंगे, एक प्रिंटर्स, तो प्रिंटर्स को तो सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले में, और एक प्लॉटर्स हो गया। ये हो गया आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड, बाकी तो बहुत है, और डिस्प्ले है तो डिस्प्ले को तो खैर हमने पढ़ ही लिया है पहले अलग से। माउस की बात करें अगर, तो इट इज यूज्ड एज अ पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज यूज्ड टू क्रिएट इमेजेज, ग्राफिक्स, एज वेल एज टू क्लिक ऑन एनी बटन और मेन्यू, ठीक है। द माउस हैज 2 or 3 बटन्स। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। फंक्शन क्या क्या होता है माउस का, क्लिकिंग परफॉर्म करना, डबल क्लिकिंग परफॉर्म करना या राइट क्लिकिंग परफॉर्म करना, ड्रैगिंग करना या स्क्रॉलिंग करना, इतने फंक्शन को कोई माउस परफॉर्म करता है। टाइप्स की बात करें तो 3 तरह के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस। अब मैकेनिकल माउस क्या होते हैं, तो दिस माउस हैज अ रबल बॉल एट द बॉटम। बॉटम में यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे रबर बॉल होता है, लाइट नहीं होता है, ठीक है। अभी जो हम लोग माउस यूज करते हैं उसमें लाइट होता है, लाइट की हेल्प से वो जान पाता है हमारा सिस्टम की किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रबर बॉल होता है। व्हेन वी रोटेट द माउस ऑन द सरफेस देन द रबर बॉल ऑल्सो रोटेट्स इन साइड द सेल। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, रबर बॉल भी आपका मूव करता है, जिससे पता चलता है। नाउ द सेंसर्स इन साइड द माउस गिव अ सिग्नल टू द कंप्यूटर। और जो सेंसर लगा हुआ रहता है माउस के अंदर, वो सिग्नल देता है किसको, जो भी कनेक्टेड कंप्यूटर है आपका उसको। अगली बात समझ में, ये होता है आपका मैकेनिकल माउस। ज्यादा डीप में आपको जाना नहीं है, जस्ट ओवरव्यू आपको देखते चलना है। ऑप्टिकल माउस की बात करें तो जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन मैकेनिकल माउस। ए लाइट बीम इज इमिटेड फ्रॉम द सरफेस बिलो। यस, इसके नीचे जो सरफेस बिलो होता है इसके अंदर से क्या होता है, एक लाइट बीम जनरेट होता है। द माउस डिटरमाइंस द डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और माउस क्या करता है, जो भी हम इधर उधर मूव कर रहे हैं उसका डिस्टेंस को वो मेजर करते रहता है, और स्पीड को उस हिसाब से जो हमारा स्क्रीन है उस पर कर्सर को क्या करता है, वो मूव करता है। लास्ट है आपका वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जैसा कि आप लोग देखें जानते हैं कि माउस क्या करता है, ये विदाउट द वायर कम्युनिकेट करता है।
सो कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक है आपका ये रिसीवर और इस माउस के अंदर लगा हुआ रहता है ट्रांसमीटर। सो ट्रांसमीटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द माउस स्पीड एंड इट्स क्लिक इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ये जो ट्रांसमीटर इसके अंदर लगा होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में ये डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और ये रिसीवर क्या करता है, इट कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर एंड यूज्ड टू रिसीव द सिग्नल सेंट बाय द ट्रांसमीटर। ये आपका कंप्यूटर के साथ, ये कंप्यूटर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहता है यहाँ पे, और ये क्या करता है, रिसीव करता है ये जो सिग्नल भेज रहा है माउस, ठीक है, और उसके बाद इसे प्रोसेस करता है। आई होप आप लोग बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। लाइट पेन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरे हाथ में अभी है, सो इट इज अ टूल दैट इज लाइट सेंसिटिव। ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। द पिक्चर्स मेड बाय द लाइट पेन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड कैन बी इम्प्रूव्ड एज नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस आता है स्कैनर। स्कैनर की मदद से आप लोग जानते क्या किया जाता है, आप लोग कभी भी साइबर कैफे गए होंगे तो स्कैनर आप लोग देखे ही देखे होंगे। ये क्या है स्टूडेंट, एक इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोग्राफ्स। इट इज यूज्ड टू इनपुट एनी शेप और रिटन डेटा ऑन अ पेज डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। जो स्कैनर है स्टूडेंट, उसका यूज किया जाता है किसी फोटोग्राफ्स या स्कैन डॉक्यूमेंट्स को क्या करने के लिए, कंप्यूटर में भेजने के लिए। इट इज यूज टू इनपुट एनी शेप, कोई भी शेप या कोई भी रिटन डेटा है किसी पेपर पे, उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। इट्स मेन एडवांटेज इज दैट द यूजर डज नॉट हैव टू टाइप द इंफॉर्मेशन। इसका मेन एडवांटेज क्या है कि अगर पेपर पे मेरे पास है तो हमें उसे दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं, सीधा उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है, ये देखिए कुछ इस प्रकार का स्कैनर होता है। एडवांटेज क्या है इसका, हाई रिजोल्यूशन इमेजेज, यस, इजी टू हैंडल होता है, फास्ट इमेज एनालिसिस होता है और इमेज पोर्टेबिलिटी होती है, आप उसे कहीं भी पोर्टेबल बना सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉस्ट इसका ज्यादा होता है। द नीड फॉर इंटरनेट एंड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई की इसे जरूरत होती है, इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट से कोई कंटेंट ले रहे हैं तो। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज डिजिटल फाइल्स, यस, अगर लार्ज डिजिटल फाइल्स होता है तो मैनेज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट बारकोड रीडर की, तो बारकोड रीडर अगर आप कभी भी मॉल गए होंगे तो आप बारकोड रीडर जरूर देखेंगे। वहां पे जो भी प्रोडक्ट रहते हैं स्टूडेंट, जब आप लेकर जाते हैं काउंटर पे, तो जो काउंटर पे बैठे हुए रहते हैं सेल्स पर्सन या जो भी काउंटर पे बैठे हुए रहते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा आपके प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके जस्ट पीछे में वो क्या रहता है, पर्ची लगा हुआ रहता है, वो बस बारकोड रीडर से उस बारकोड को रीड करते हैं, सारा जो भी डिटेल होता है उनके सिस्टम में चला जाता है। तो वो बारकोड रीडर आखिर करता क्या है, तो यहां जानते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइस स्कैनर। देखिए इसे इसीलिए प्राइस स्कैनर भी कहा जाता है, और पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर। ए बार कोड इज अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कोड। बार कोड क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ कोड होता है। इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ थिक एंड थिन लाइन्स। ये सीरीज ऑफ क्या रहता है स्टूडेंट, कोई कोई लाइंस मोटे होते हैं, कोई पतले मोटे पतले, इस प्रकार से ये कोई बारकोड होता है। द बार कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, और जो इसमें ये व्हाइट बार्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। वी कैन रीड द बारकोड थ्रू एन ऑप्टिकल स्कैनर कॉल्ड बारकोड रीडर। हम इस बारकोड रीडर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी बारकोड को रीड कर सकते हैं। द यूजर कैन कनेक्ट द बारकोड रीडर विथ द कंप्यूटर थ्रू अ सीरियल केबल। किसी सीरियल केबल की हेल्प से क्या कर सकता है, बारकोड रीडर को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से, ठीक है। ये आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस थे रिलेटेड टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को पता है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू
फॉर्म अंडरस्टैंड बाय यूजर्स और यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करता है। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से सिस्टम से डेटा को लेता है और यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हमें शो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ही आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से क्या है, रिलेटेड है। एक और है आपका क्या, डिस्प्ले डिवाइसेस, और डिस्प्ले डिवाइसेस को हमने इस यूनिट में पहले ही एंड कर रखा है। हमने सीआरटी देख लिया, सीआरटी के डिफरेंट टेक्निक्स देख लिए, कलर सीआरटी देख लिया, कलर सीआरटी में बीम पेनिट्रेशन और शैडो मास्क देख लिया, हमने एलसीडी एलईडी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो अब इससे ज्यादा हमें समझने की नीड नहीं है स्टूडेंट। तो प्रिंटर्स की अगर बात करें तो प्रिंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिंट डेटा ऑन पेपर, जो कि पेपर पे डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। Types of printers, there are many types of printers which are classified on various criteria as shown in the figure. Different types of printer होते हैं, तो हम लोग next lecture में देखेंगे, यहाँ पे classification देख लेते हैं। अगर आप basically देखें तो printing mechanism के आधार पे दो classification किया गया है। First है आपका impact printers and second है non-impact printers। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग note में लिखते हुए चलिए। आप लोग notes बना रहे हैं ना, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोग notes बना रहे होंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर्स स्टूडेंट टू टाइप्स के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स और दूसरा लाइन प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, दूसरा हो गया डेजी व्हील प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स की अगर बात करें, जो कि अब एकदम यूज नहीं होता है, ड्रम प्रिंटर्स हो गया और चेन प्रिंटर्स हो गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर हो गया, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पढ़ना है, और दूसरा है लेजर प्रिंटर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पढ़ना है। तो इन तीनों प्रिंटर्स को स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली इसे इस तीनों को और साथ में हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे, आखिर किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है उसे देखते हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। द प्रिंटर्स दैट प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर्स आर नॉन एज इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि वैसे प्रिंटर्स जो कि क्या करते हैं, रिबन से स्ट्राइक करते हैं पेपर पे और प्रिंट करते हैं, उन्हें बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और ये ज्यादा नॉइजी होते हैं। आप लोग अगर देखिएगा कहीं पे, जैसे कहाँ पे अभी यूज हो रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स, बैंक में जाइएगा तो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखेगा। आप कहीं जैसे कहाँ पे चले जाइए, गैस पासबुक अगर आप प्रिंट करा रहे हैं या बैंक पासबुक भी, तो वो क्या होता है, वहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर लगे रहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, रिबन स्ट्राइक होता है, उसके बाद आपका प्रिंट होता है। सो ये प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं, कैरेक्टर्स और लाइन। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट की अगर बात करें तो द प्रिंटर्स दैट प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर्स आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये स्ट्राइक नहीं करते हैं। ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट, नॉन इम्पैक्ट के दोनों टाइप्स, लेजर और इंकजेट को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो है आपका प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या होता है, प्लॉटर्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, इट इज सुइटेबल फॉर एप्लीकेशन। कौन कौन से एप्लीकेशन के लिए इसका यूज होता है, आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल प्लान बना के उसे प्रिंट करना है उसके लिए। CAD एप्लीकेशन है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, लाइक द डिजाइन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट। मेनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इसका, इस प्लॉटर का यूज होता है। तो एडवांटेज क्या है इसके, इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट ऑन लार्ज सीट। लार्ज सीट में अब कहीं बिल्डिंग का बताइए नक्शा बनाना है तो आप A4 पेपर में थोड़े ही ना बनाइएगा, नहीं ना बनाइएगा, तो वैसी वैसी जगहों पे क्या होता है स्टूडेंट, इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द हाई प्रिसीजन ड्राइंग। हाई प्रिसीजन ड्राइंग, ज्यादा प्रिसीजन का ड्राइंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट कैन प्रोड्यूस ग्राफिक्स ऑफ वेरियस साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का देख सकते हैं आप, ड्रम प्लॉटर है ना, ये क्या है, यहाँ से बड़े बड़े साइज के आप प्रिंट कर सकते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर है, जहां से आप किसी बिल्डिंग का अगर आपको क्या करना है, डिजाइन प्रिंट करना है, वो सब आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट इज हाई, इसका जो आउटपुट प्रोड्यूस करने का स्पीड होता है स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जहां पे हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर ग्राफिक्स हमने देखा है स्टूडेंट। ठीक है, एक आपका बच गया है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स में जो मेनली आपसे पूछा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, तीनों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं विद वर्किंग प्रिंसिपल। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग नोट्स बना लिए होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं, नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग बनाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।